आप नाजरीन पब्लिक टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखिए आज की बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। रूपलाल बाजार यहाँ पर जो बस्ती दवाखाने में कंटी वेलगो प्रोग्राम जो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड का बड़ा प्रोग्राम है। सारे तेलंगाना में सेकंड फेज चल रहा है। सेकंड फेज में सीएम साहब ने बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम करने की हिदायत दी है और आज हैदराबाद के अंदर टोटल 115 टीम काम कर रहे हैं और सारे हैदराबाद के लोगों को घर घर जाकर और जो सेंटर्स कायम किए गए हैं वहाँ बुलाकर उनकी आँखों को चेक किया जा रहा है कि आँख बहुत अहम चीज़ होती है। और आज उसके लिए हमारे हरदिल अजीज़ MLA मुमताज़ अहमद खान साहब और हमारे कारपोरेटर मुजफ्फ़र साहब और बहुत से TRS के और MIM के कायदीन यहाँ मौजूद हैं और हमारी डॉक्टर अम्मा शिल्पनेशी जो वहाँ की इंचार्ज है वो लोगों को ख़ास तौर से SPH के अंदर SPH और जंगम पेट है जहाँ तक हो सके हुकूमत यही चाहती है कि लोगों के आँख अच्छे रहें। आँख बहुत अहम चीज़ होती है और ये मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में किसी स्टेट में काम नहीं किया जा रहा है। कल 18 तारीख को आनेबुल CM साहब ने इसका इनाग्रेशन किया और तमाम जितने मिनिस्टर्स हैं जितने MLAs हैं 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में काम चल रहा है और हैदराबाद में चूंकि बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर तकरीबन 42 से 43 लोगों को टेस्ट करने का एक टारगेट मुकर्र किया गया है। उसके लिए मैं आनेबुल मिनिस्टर हरीश रावत साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, CM साहब का भी, और बहुत अच्छा प्रोग्राम अच्छी तरीके से करेंगे और ये पूरी जिम्मेदारी ख़ास तौर से हमारे MLAs और कारपोरेटर्स पर रखी गई है ताकि लोगों की अच्छी तरीके से सेवा हो सके। और जो लोग गरीब लोग हैं दवाखाना जाना उनके लिए बड़ा महंगा होता है और टेस्ट कराने के लिए काफ़ी पैसे खर्चा होते हैं, ऐनक खरीदने के लिए भी पैसे खर्चा होते हैं और यहाँ पर नंबर टेस्ट किया जा रहा है और ऐनक जो नंबर लगता है उसकी ऐनक दी जा रही है। अगर किसी को आँख की कोई बीमारी है उसका इलाज किया जा रहा है और किसी को कैटरेक्ट का ऑपरेशन है तो मुकम्मल तरीके से हुकूमत की तरफ से उनका यहाँ से ट्रांसपोर्ट भी मुहैया किया जा रहा है और बड़े बड़े दवाखानों पर जहाँ पर सरकारी दवाखाने हैं और खानगी दवाखानों से भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वहाँ अच्छे से अच्छा उसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया जा रहा है। उसके लिए मैं CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे यहाँ के मुकामी MLA मुमताज़ अहमद खान साहब और कारपोरेटर साहब मुजफ्फर साहब तो का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लोगों ने बड़ी जुस्तजू करते हुए इस प्रोग्राम को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तमाम MLAs और कारपोरेटर से यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपने एरियों में ख़ास तौर से पब्लिक सिटी अच्छा कीजिए, लोगों को अपने मैसेज पहुंचना ज़रूरी है और बहुत अच्छा कंप्यूटराइज तरीके से इसका इंतज़ाम किया गया है और हमारे पास डॉक्टर्स के अलावा अच्छा स्टाफ और नर्सेज भी है, आशा वर्कर्स भी इसमें काम कर रहे हैं। सबका दिल गहरों से शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास तौर से इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए सारे आवाम से अपील करता हूँ। थैंक यू। उधर पलटो साहब के तरफ बराबर बराबर लगा।